नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे देश में इसकी रौनक देखी जा रही है और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा और फिर कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर इस महापर्व की समाप्ति हो जानी है। लेकिन आज आस्था का अद्भुत रंग, आस्था की अद्भुत छठा जो है वो नजर आ रही है। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है और सूर्यास्त का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं घाटों पर पहुंच रहे हैं। कहीं और इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना आए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए तो वहां पर भी छठ को लेकर अद्भुत छठा देखने को मिल रही है। छठ में छठ को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। डूबते सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा जिसको लेकर व्रतियों की भीड़ धीरे धीरे घाटों पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है। और आइए, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। देख सकते हैं सब मौजूद हैं छठ घाटों पर और अद्भुत छठा नजर आ रही है। चलते हैं जबलपुर। मां नर्मदा कल कल करती हुई पावन तरीके से वहां बहती हैं और कैसे नर्मदा के घाट पर छठ जो कि आस्था का महापर्व कहलाता है वहां की रौनक कैसी है। हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं। पवन, बताएं वहां पर क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, जबलपुर में भी सभी नर्मदा तट और तालाब जो है वो श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं। यहाँ पर छठ पर्व मनाने के लिए सभी लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है। बिल्कुल मेले सा नजारा है, जैसे मेला लगा हुआ हो। और जो श्रद्धालु हैं वो सभी जो है व्रत रखे हुए हैं आज, और व्रत के साथ साथ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पूजन के लिए बिल्कुल तैयारी है। अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। किस तरह से ये पर्व मनाते हैं और क्या महत्व है इस पर्व, आप बताएंगे क्या महत्व है और कैसे पर्व मनाते हैं? ध्यान से पूछिए। चलिए, ये शायद मौन व्रत भी है इनका, कैसे मनाते हैं पर्व? पर्व इसलिए सूर्यदेव के सुबह शाम के सूर्यदेव का पूजा करते हैं अपन। तीन दिन पहले अपन उपास रहते, शनिवार को उपास थे, वो छोटी छठ थी और आज बड़ी छठ है हमारे यहाँ की। अब आज के हम लोग सूर्य देव की सुबह डूबते हुए सूर्य की पूजा करेंगे और फिर सुबह निकलते हुए सूर्य की पूजा करेंगे। निर्जला व्रत रहते हैं, पानी कुछ भी नहीं लेते। तीन दिन का व्रत पड़ता है हम लोगों का और हम लोग निर्जला उपवास रहते हैं। तीन दिन का ये पूरा त्योहार होता है जिसमें निर्जला व्रत रखते हैं और सभी जो है परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गन्ने का मंडप बनाया गया है और उसके बाद दीप जलाकर शाम को अस्त होते हुए सूर्य का को अर्घ्य देंगे, पूजन करेंगे और फिर कल सुबह फिर से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उनका पूजन करेंगे। परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के लिए ये व्रत किया जाता है जिसमें महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी निर्जला व्रत रखते हैं और इस पर्व को बड़ी संख्या में पूरे देश में मनाया जाता है। खासतौर पर यह बिहार का त्यौहार माना जाता है लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये पर्व सभी के लिए महत्व रखने लगा और सभी मिलकर इस पर्व को पूरे परिवार के साथ आस्था के साथ मनाते हैं। बिल्कुल आस्था के साथ मनाते हैं और इसीलिए इसे आस्था का महापर्व नाम दिया जाता है। आस्था का महापर्व छठ कहलाता है। और आइए अब हमारे सहयोगी जो हैं अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं उनके पास चलते हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मिथिलेश दुर्ग और भिलाई यानी कि ट्विन सिटी जिसे कहा जाता है, और ये ट्विन सिटी की खास बात ये है कि यहाँ पर भिलाई जो है वो मिनी इंडिया इसे कहा जाता है, तो वहाँ पर भी चलेंगे लेकिन इस वक्त इंदौर चल रहे हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी एक और हैं, इंदौर में मौजूद हैं,
और वे कहां मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि कितनी रोचक तस्वीरें यहां पर और आस्था के महापर्व पर कैसे लोग यहां पर पूजन कर रहे हैं। क्योंकि मिथिलेश, ये पर्व जो है इसकी खूबी यह है कि पूरा परिवार इस पर्व को मिलकर मनाता है। व्रती एक जरूर होता है लेकिन पूरे परिवार का सहयोग रहता है इस पर्व को मनाने में। तो वहां जो व्रती हैं, पूजन करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कीजिए, क्या कितनी आस्था यहां पर नजर आ रही, कैसे मना रहे पर्व। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि व्रती एक रहते हैं लेकिन पूरा परिवार मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाता है। भगवान सूर्य के उपासना का ये त्यौहार है, महापर्व है। बात करेंगे कैसे तैयारी करते हैं आप लोग और कहां कहां से यहां पे लोग आए हुए हैं। यहां से बहुत कहीं से लोग आए हैं, पटना से, आरा से, बिहार से, बक्सर से। अपन छठ पूजा परिवार के लिए करते, बेटा के लिए, नाती पोते के लिए। कठिन व्रत रहता है इसमें? कठिन रहता है ना, वो खरना करते हैं, पहले लौकी भात खाते, फिर खरना करते, फिर छठ पूजा करते, अब फिर दूसरे दिन छठ पूजा करते, चार दिन के त्योहार होता है। हाँ, डूबते सूर्य भगवान को आप लोग अग्रत देने आते हैं? उगते भी देते हैं या उगते भी देते हैं? हाँ, उगते भी देते, डूबते भी देते। पूजा पाठ में जो सामग्री दिख रही, क्या क्या लेकर आते, कैसे करते हैं आप लोग? सभी फल रहता है, नारियल रहता है, केला रहता है, अनरस रहता है, अनार रहता है, जितनी फल रहता है उतने ही चढ़ाओ आप। आप कब से कर रही हैं व्रत? मैंने व्रत किया है, हाँ अभी व्रत करेंगे, हाँ साथ में। आपकी बहुओं से ही बात कर लेते हैं, आप व्रत रही? नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे त्योहार को लेकर? अच्छा लग रहा है त्यौहार, छठ पूजा अच्छा लग रहा है। बहुत जगह जगह से आदमी आए हैं, बिहार, पटना के भी आदमी है। देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको कुछ तस्वीर और दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं, आपके कुंड बनाया गया है अस्थाई तौर पर, एक गार्डन के अंदर कुंड बनाया गया है। ये विजयनगर का एरिया है और यहाँ पर बिहार के जो लोग हैं सबसे ज्यादा इस जगह पर रहते हैं और ये तैयारियों को खूबसूरत तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए, इस त्यौहार का एक अलग ही महत्व है। हालांकि ये माना जाता था कि ये बिहार का पर्व है लेकिन पूरे दुनिया में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि लगातार पीछे आतिशबाजी की जा रही है, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। मिथिलेश, शारदा सिन्हा के जो गीत हैं छठ पर, वो हर तरफ सुनाई देते हैं। यहाँ पर आप जिन महिलाओं के साथ मौजूद हैं, ये अस्ताचलगामी सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो साथ साथ वो गीत जो हैं वो भी गाए जाते हैं। तो हम आपके पास आएंगे और फिर जो महिलाएं हैं उनसे हम गीत भी सुनेंगे। लेकिन इस वक्त प्रशांत जो मौजूद हैं, वो मौजूद हैं भोपाल में हमारे सहयोगी, और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रशांत, हम हर साल देखते हैं अद्भुत छठा होती है और चूंकि ये मध्य प्रदेश में पर्व हालांकि उतने वृहद तौर पर नहीं मनाया जाता, लेकिन पूर्वांचल के लोग जो हैं या बिहार के जो लोग हैं, जब वो पर्व मनाते हैं और उनके पर्व मनाने का जो तरीका होता है उसको देखकर कोई भी व्यक्ति जो है वो भाव विभोर हो जाता है। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना मिलजुल कर ये पर्व देखने को मिलता है। क्या छठा छठ की वहाँ पर? बहुत अच्छा शब्द आपने यूज़ किया, भाव विभोर हो जाना। केवल बिहार या पूर्वांचल या फिर पश्चिम बंगाल तक अब छठ का व्रत नहीं होता, बल्कि अब ये पूरे देश का त्यौहार हो चुका है। बल्कि हम ये कहें कि बिहार या पूर्वांचल से जो लोग दूसरे देशों में पहुंचे हैं वहां भी अब धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। भोपाल में ही बहुत सारी जगहों पर बहुत बड़ी और व्यवस्थित तरीके से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। वक्त दरअसल अब अर्घ देने का हो चुका है और सूर्य देव अस्ताचलगामी सूर्य की जो पूजा होती है वो शुरू हो चुकी है इस वक्त। और इससे पहले हमने कई महिलाओं से भी बात की थी जिन लोगों ने व्रत रखा था, लेकिन तस्वीरें जरूर हम आपको इस वक्त दिखा दें। हालांकि इनमें कुछ कम लोग संभव की बात ना करें चूंकि इस वक्त पूजा अर्चना का दौर यहाँ शुरू हो चुका है, सूर्य अस्त हो रहे हैं और ये दरअसल अर्घ देने का वक्त है। और तस्वीरें जरूर आप देखिए, आप मतलब कि यहाँ पर चारों तरफ हुजूम है, सैकड़ों परिवार, हजारों परिवार यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अगर घर में किसी एक महिला ने भी व्रत रखा है तो पूरा परिवार उसके साथ पहुंचता है यहां पर इस व्रत को। चूंकि आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, इसके बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य को देकर जब अर्घ दिया जाएगा उसके साथ ही ये व्रत खत्म होगा। जल ग्रहण करने के साथ महिलाएं इस व्रत को खत्म करेंगी।
बहुत सारी मान्यताएं हैं इस व्रत को लेकर। खासतौर से कहा जाता है कि अपने बच्चों की सलामती के लिए ये व्रत रखा जाता है, लेकिन ऐसा यानी बल्कि कई और प्रार्थनाएं, अलग अलग प्रार्थनाएं लोग करते हैं इस व्रत के मौके पर। सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो त्योहार है ये सीमाओं से बाहर निकल चुका है। आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बिहार या पूर्वांचल से जुड़ा त्योहार है, बल्कि अब हर जगह ये रच बस गया है। इसमें बिहार और पूर्वांचल से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी कई बार पूजा अर्चना में शामिल होते हैं, और जो लोग पूजा अर्चना में शामिल नहीं भी होते हैं वो इस पूजा अर्चना को देखने के लिए पहुंचते हैं, कैसे ये पूजा होती है, क्या विधि विधान है। लेकिन बहुत साफ सफाई का, बहुत सारी चीजों का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। एक बहुत हफ्ते पहले पवित्रता से का ध्यान साफ सफाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जहाँ पूजा अर्चना की जा बता रहे हैं, ये पवित्रता का बहुत ध्यान रखना होता है। और सबसे खास बात यह है, हमारे हिंदू संस्कृति जो है उसमें सबसे खास बात यह है कि ईश्वर को किसने देखा है। बहुत सारे पर्व हम मनाते हैं, दीपावली का पूजन होता है तो लक्ष्मी पूजा होती है, तो फिर ये कहते हैं ईश्वर को किसने देखा है। लेकिन देखिए, भगवान भास्कर की साक्षात जो हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा के लिए धन्यवाद देने के लिए कि आप हमें ऊर्जा हमें देते हैं, जीवन हमारे भगवान भास्कर जो हैं उनसे हमारा जीवन है, तो उनको धन्यवाद देना। और जीवन लंबा हो, अच्छा हो, बहुत अच्छे से परिवार का पालन पोषण हो सके, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक धन्यवाद देने का ये अद्भुत तरीका भी है। और सबसे खास बात यह है प्रशांत की, जिन भी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है वो हम देखें तो वो मौसम के अनुसार, जैसे ठंडियों में गन्ना आना शुरू हो जाता है या दूसरी चीज़ें जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, उन्हीं का भोग लगाया जाता है। जैसे गुड़ है, गुड़ और सूर्य दोनों को, दोनों एक ही माने जाते हैं। सूर्य नारायण को गुड़ चढ़ाने की परंपरा हम देखते आए हैं कि इससे अगर ज्योतिष के हिसाब से भी देखें तो बहुत अच्छा होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस पर्व की पर्व को हम देखते हैं। चलेंगे भोपाल, प्रशांत जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए तस्वीरें भी प्रशांत हम तक पहुंचा रहे हैं, वहां जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत भी करने की वे कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। फ्रूट लगते हैं और क्या बोलते हैं, ठेकुआ लगता है, पूड़ी लगता है जी, सारी सामग्रियां लगता है। बहुत उत्साह से हम लोग का ये पूर्व आता है, पर ये 3-4 दिन का होता है, पर हम एक ही दिन 2 दिन वाला ही करते हैं, बड़ा वाला उपवास करते हैं, छोटा वाला नहीं करते हैं। 36 घंटे का उपवास नहीं, कितने घंटे का रहेगा फिर ये? सर अब कल से कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। जी जी। अच्छा, परिवार आपका है? हाँ, हाँ। पूरा परिवार साथ होता है? हाँ। जी हमारे बच्चे। अच्छा, आप लोग भी अपने परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी, मम्मी के साथ आए हम लोग जी। तो साथ पूरा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा साथ देंगे। ठीक है, पूरा अच्छा, साथ देंगे। और देखिए कितना उत्साह, आपसे बात करेंगे, क्या लेकर क्या मान्यता है, क्या दिलचस्प ये कि पूरा परिवार इस पर्व को साथ में मिलकर, क्या पुरुष क्या महिलाएं, व्रती एक ही होता है, जैसा हम कह रहे हैं कि व्रती एक ही होता है, लेकिन उसके बावजूद पूरे परिवार का साथ इसमें मिलता है। मिथिलेश इंदौर से मौजूद हैं और मिथिलेश के साथ एक व्रती महिला भी यहां पर मौजूद हैं। मिथिलेश, हमने चाहा था आपसे कि कुछ अगर छठ के जो गीत होते हैं वो अगर आप सुनवा सकें तो बहुत अच्छा होगा। एक समा भी बंधेगा और भगवान भास्कर को अर्घ देने का क्रम जो है वो तो शुरू हो ही चुका है। जी बिल्कुल, छठ मैया का गीत सुनाते हैं। केरवा के पात पर उगेले सूरज, देव धापे धूपे, एकरेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, एकरेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। केरवा के पात पर उगेले सूरज, देव धापे धूपे, एकरेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जे स्वामी ओगेस ऐसन स्वामी से उनके लागी, एकरेनी छठ बरतिया से उनके लागी, एकरेनी छठ बरती
से उनके लागी। कुछ तो एक दो कुछ गीत और है जो आप सुनाना चाहें। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, पहनी ना योगेश बाबू पियरिया भैली अरगिया की बेर, भैली पूजन वा की बेर, कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। तो वाकई में बहुत शानदार तरीके से हमने सुना कि कितना खूबसूरत ये भजन जो है, ये गीत जो छठ मैया का है वो हम सुन रहे थे। इंदौर से मिथिलेश हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। पवन के पास भी चलते हैं, जबलपुर से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पवन जबलपुर तो संस्कार धानी कहलाती है। एक चीज़ और है इस छठ के पर्व की खासियत या खूबी जो कही जाए, इसमें जो चीज़ें इस पूजन के लिए जुटाई जाती है इसमें समाज के हर पहलू का, जैसे सूप जो है जिसे हम सूप भी कहते हैं उसका इस्तेमाल या छठ के पर्वों में किया जाता है, उसको जो बनाता है उसको उसकी भी सहभागिता इस पर्व में रहती है, कई सारी चीज़ें और भी, कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लानी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पूरे समाज को एक जोड़ करने का, एक साथ लाने का ये पर्व कहलाता है। तो अगर वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे जानिए कि कैसे पूरे पर्व की तैयारी होती है, कहाँ कहाँ से किस किस से, क्योंकि सामाजिक रूप से भी ये पर्व जो है सबको एक करने का पर्व माना जाता है। बिल्कुल, ये पर्व जो है इसे कहा जाता है कि बिहार का ये पर्व है जिसमें जो पर्व मनाते हैं वो किसी जाति या धर्म के विशेष लोग नहीं होते हैं, बल्कि जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, कोई भी काम करने वाला हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, किसान हो, सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती जिसको कहेंगे वो यही है कि हर वर्ग जो है, हर जाति, हर वर्ग के लोग इसमें जो काम करते हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ों को इसमें समाहित करते हैं और उन सभी का पूजन करते हैं। भगवान सूर्य को जब अर्घ्य दिया जाता है तो जल का उपयोग करते हैं, दीप जलाने के लिए मिट्टी के दीयों का उपयोग करते हैं, गन्ने की पूजा करते हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ें रहती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह से सर ये पर्व जो होता है, इस पर्व में हर तरह की चीज़ का उपयोग किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पर्व मनाने के लिए उपयोग। इसमें बहुत सामान लगता है, मूली, गाजर, संतरा, सेब, सब हाँ, मिट्टी का दिया, यही सब लगता है, ठेकुआ उकुआ बनता है। ऐसा क्यों, क्या मान्यता है ऐसा ही इन सब चीजों को? अबे मानता लालू यादव बताएंगे कहा से कि वही वो तैयार किए रहे छठ को, छठ पर्व उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया, तो पुरानी परंपरा होगी ना, धर्म की परंपरा। तो वो दबी रही, नीचे दबी रही तो उसको ऊपर वही किए, पर किए हैं तो कुछ उसकी जो प्रक्रिया है, जो पद्धति, वो अनुभवी आदमी वही है भैया, हम तो नहीं बता सकते है क्या। लालू यादव का जिक्र भी छठ पर हो ही गया, महापर्व की छठ की छटा जो है वो अद्भुत है, और जो बिहार का व्यक्ति होता है वो जाहिर तौर पर बिहार की पहचान लालू यादव से भी है, लालू यादव भी एक बड़ी पहचान के तौर पर बिहार से ही आते हैं, और हमारे सहयोगी जो हम बता भी रहे थे, एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। छठ महापर्व की छठा जो है, आस्था का महापर्व जिसे कहा जाता है, इस पर कवरेज लगातार जारी है, ब्रेक का वक्त।